तुम अब भी गलत समझ रही हो नंदनी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिता महाराज ये सब इसलिए कर रहे क्योंकि वो तुमसे प्रेम करते हैं? नहीं नंदनी, तुम्हारे पिता महाराज को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो केवल तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं, जिस भांति वो सबका करते आए हैं। आप पिता महाराज के विषय में ऐसा क्यों कह रही है? आपको क्या था ना कि मैं पिता महाराज के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है, तुम अपने पिता महाराज के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहती तो ना से, परंतु मेरी इस बात को अपनी समझ में बैठा लो। चंद्र एक अच्छा इंसान है। वो केवल अच्छा राजा ही नहीं, अच्छा पुत्र, अच्छा शिष्य, भाई और पति है। ये जानते हुए भी कि हम उसके शत्रु का परिवार है, उसने हम में से किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। परंतु आपने देखा कि चंद्र ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। उसके स्थान पर कोई और होता तो वो भी यही करता। उसके आचार्य उसके लिए सब कुछ है, परंतु तुम्हारे लिए उसके मन में कोई वैर नहीं। अगर होता तो वो तुम्हें मुख्य महारानी के पद पर नहीं बैठा था। नंदनी, तुम एक पति पत्नी की दृष्टि से सोचो और इन बातों से अपना जीवन प्रभावित मत होने दो। जो कुछ भी हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने पिता महाराज के कारण तुम चंद्र को गलत समझो। तुम्हें अपना ध्यान अपने वैवाहिक जीवन पर केंद्रित करना चाहिए, और सत्य यही है कि चंद्र तुम्हारा पति है। क्रोध में आकर मैंने नंदनी को इतना कुछ कह दिया, व्यर्थ में उसे डांट दिया। मुझे नंदनी को इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। क्या कोई इस भांति किसी स्त्री से व्यवहार करता है? मानता हूं कि तुम्हारी शत्रुता इसके पिता से है, किंतु इसमें इस बिचारी का क्या दोष है? क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो तो केवल उसके पिता के कारण हुआ। इन सब बातों का दोषी केवल उसके पिता है। नंदिनी तो बेचारी अज्ञात थी इन सब बातों से, और मैंने व्यर्थ में कटु वचन कह दिए उसे। नंदिनी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ होने के नाते मैं यही चाहती हूँ कि मेरी पुत्री को सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी मिले। और इतने समय में मैं यही समझ पाई हूँ कि चंद्र से बेहतर तुम्हें कोई जीवन साथी नहीं मिल सकता। बस मुझे यही कहना था, और इस विषय पर तुम सोचना। कह रही है, मैंने क्रोध में आके चंद्र को बहुत भला बुरा सुना दिया। मुख्य महारानी होने के नाते मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए ऐसी परिस्थिति में। सत्य है, चंद्र एक बहुत ही अच्छे इंसान है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए मुझे नंदिनी से। मुझे लगता है मैंने चंद्र के साथ क्रोध में आकर बहुत ही अनुचित व्यवहार कर दिया है। मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए। कत दिन मधुबन जाप कत दिन आप। बात है तुम्हारी उससे? कहा बोली हो तुम? बोली उसको मौन रहने के लिए? मौन रहेगी ना? दिन मधुबन जाप। अरे आबत, अरे हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोलोगी? कत दिन आबत, बात में गाल ना बोलोगी? पूछाया पूछाया तो हमेशा के लिए मौन हो गई। क्या तात्पर्य क्या है तुम्हारा? का तात्पर्य? हमारा तात्पर्य ई है कि जो छाया थी बहुत चाय चाय कर रही थी, तो उनको हम सीढ़ियों से धक्का मार दिए, उनका मौत हो गया, वो तो वही पड़ी होगी। ईश्वर, क्या कर दिया तुमने? हमको तुमको बोलना ही नहीं चाहिए था कि तुम ये सब जाकर संभालो। हमको तो पहले से ही ज्ञात था कि तुम और बात बिगाड़ दोगे। अब क्या करें? और क्या बोली तुम? क्या तात्पर्य तुम्हारा कि वहाँ पड़ी है? मतलब मृत है कि जीवित है? देखी तुम? देखी देखी, हम जाके होकर देखी जीवित है कि मृत है? कोई हमको देख ले तो हम मृत है ना? अरे लेकिन यदि वो जीवित हुई और उसने अपना मुख खोल दिया उस चंद्र के सामने, तो हमारा रहस्य खोल जाएगा और हम ऐसे भी मारे जाएंगे। क्या लगता है तुमको, रूपा के वार से आज तक कोई बच पाया है? तुम ये जो हम पर चिल्ला रही हो ना, अपने मुंह पे थोड़ा लगाम दो। मुझे हमको जाकर देखना होगा छाया कहीं जीवित तो नहीं। चलो मेरे साथ। अरे अम्मा, मैं तुम्हारे पास आ रहा था। मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही थी। अच्छा देखो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। मैं भी कुछ कहना चाहती थी तुमसे।
अच्छा ठीक है, पहले मैं कह देता हूँ फिर तुम। नहीं पहले मैं कहूंगी। अरे तुम हर पल मुझसे लड़ती क्यों रहती हो? तुम भी तो सदैव अपनी चलाते हो। अच्छा ठीक है, तुमसे बहस में वैसे भी कोई जीत नहीं सकता है। एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ कहते हैं, ठीक है? मुझे क्षमा कर दो। मैंने ये पत्र पिता महाराज के लिए लिखा है। इसमें मैंने लिख दिया है कि पिता महाराज आचार्य जी की पुत्री को छोड़ते। और देखो मैं भी तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता के कारण मुझे तुमसे इस भांति बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ना जाने क्रोध में आकर मैंने तुमसे क्या कुछ कह दिया। ऐसी परिस्थिति में मुझे भी आपका साथ देना चाहिए। आचार्य जी की पुत्री के लिए मैं भी बहुत चिंतित हूँ। क्यों? क्यों? ये कैसा प्रश्न है? मैं तो केवल ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ मैं भी वो। महाराज, राजकुमारी छाया उधर अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। छाया? छाया? ईश्वर, क्या हुआ इसे? छाया उठो। छाया आंखें खोलो। छाया? छाया आंखें खोलो। सब ठीक हो जाएगा। कैसे संभालूं अपने आप को? मेरी पोती जो अवस्था में है, हर रोज कोई ना कोई कष्ट सुनाता रहता। पता नहीं ईश्वर कब तक उसकी परीक्षा लेते रहेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे बच्चों के जीवन में विधाता ने केवल कष्ट और संघर्ष ही लिखा। माँ ऐसा मत सोचिए, ये शीघ्र ठीक हो जाएगी। परंतु ये सब कुछ हुआ कैसे? पता तो मुझे भी नहीं है। गिरी हुई अवस्था में महल में मिली। छत्री, ये भी तो हो सकता है कि छाया का पांव फिसल गया हो। छाया? 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 छाया क्या हो गया? तुमसे कितनी बार कहा था कहीं अकेले जाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर तुम ऐसा क्यों किया छाया? चंद्र महाराज, आप सभी को बाहर जाना होगा। कदाचित इनका शिशु। क्या हुआ शिशु को? अभी कुछ भी कहना संभव नहीं राजमाता। माँ और शिशु की दशा अत्यंत गंभीर है, मुझे कुछ उपचार करना होगा। आप सब शीघ्र ही बाहर जाइए। चलिए सब बाहर चलिए। ईश्वर, ये तो अनर्थ हो गया। छाया जीवित है। यदि इसने चंद्र के सामने अपना मुंह खोल दिया तो चंद्र हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। मुझे अभी जाकर ये बात रूपा को बतानी होगी। ए अम्मा, ऐसा मुंह सजा के काहे बैठी हो जैसे वो छाया का भूत देख लियो। अभी अभी तो ससुरी मरी है और अभी से बहन। हम भी मर गए रूपा, अब हमको कोई नहीं बचा सकता। वो चंद्र ना हमको सीधे सूली पे लटका देगा। क्या अनाप शनाप बकरी है माँ? अनाप शनाप नहीं बकरे, वो छाया जीवित है। का? ये कैसा हो सकता है? यही तो हम तुमसे पूछना चाहते। क्या बोली थी तुम हमको? क्या हम अपनी जबान को लगाम दें?
हे अम्मा, रूपा के वार से कोई नहीं बच सकता। अब जाकर देखो, वहाँ उच्चंद्र उसका उपचार कर रहा है। जैसे वो स्वस्थ होगी ना और अपना मुंह खोली, उच्चंद्र हमको सूली पे लटका देगा। हम एक काम करते हैं, अपना सामान यहाँ से बांधते और यहाँ से निकल चलते महल से दूर। चलो जल्दी करो, कहीं निकल चलते, निकल चलते। कोई कहीं नहीं जाएगा महल का छोड़कर। आपका चंद्र तुम्हारे चंद्र 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 अरे चंद्र को पाने के जुनून में ना सब काम गड़बड़ हो गया। एक काम ढंग से नहीं करी। यम्मा, तो के पहले ही बोले हमसे से बात नहीं कर। हम कोशिश किए थे उसका काम तमाम करने का। किसका काम तमाम कर दिया था? किसकी बात हो रही है यहाँ? वो हाँ पम्मा जी, सब कुछ ठीक है। वो हम नंदिनी के विषय में बात कर रहे थे। क्या है कि नंद ने चाणक्य की पुत्री का अपहरण कर लिया है, तो नंदिनी का काम स्वयं ही तमाम हो गया। इसीलिए रूपा बहुत क्रोधित है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम ये जानने आए थे कि क्या सब ठीक है कि नहीं। हमारा मतलब, रूपा और हेलेना की लड़ाई के बावजूद क्या रूपा नंदिनी को हमारे रास्ते से हटाने में मदद करेगी या नहीं? हाँ, बिल्कुल करेगी। हमारी रूपा का तो एकमात्र लक्ष्य यही है। हाँ रूपा, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने कक्ष से बाहर नहीं जाओगी जब तक हम तुम्हें लेने नहीं आते। जब तक सबको शांत नहीं हो जाते, तुम कुछ नहीं करोगे, कहीं नहीं जाओगी। अब क्रोधित मत हो, हाँ जोड़ते तुम्हारी विनती करते हैं। मर गया। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जो हाल छाया के शिशु का हुआ, नहीं वो हाल तुम्हारा कभी नहीं हुआ। जो छाया के शिशु का हुआ, मैं करूंगी तुम्हारी रक्षा। कभी कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। शूरवीर योद्धा मेरा भाई है। क्यों हो रहा मेरे भाई के साथ ऐसा? से मुझे संतोष मिलता था, मुझे चुप से रहे हैं, मुझे मेरी लाचारी का आभास करा रहे हैं, कह रहे हैं मुझसे कौन सा राजा मैं, कहां का राजा जो स्वयं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका, जो शिशु को नहीं बचा सका। मुझसे कह रहे हैं कि मैं दुर्बल राजा। राजा जिसका कर्तव्य होता है कि वो सबकी रक्षा करके चले, जिससे अपेक्षा की जाती है सुख में दुख में, वो संसार को बचा कर रखे, जो स्वयं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका, उसके शिशु को नहीं बचा सका, क्या रक्षा करेगा? उसके बाद मुझे मेरा परिवार मिला, मेरी बहन मिली। जब मिला है तो आज ये दशा है मेरी बहन की। बेचारी का शिशु मर गया, वो शिशु जो सत्यजीत और उसके प्रेम की अंतिम निशानी को चले गई संसार। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता, वो जो मांगेगी दे दूंगा मैं। उसके लिए बड़े से बड़ा युद्ध लड़ जाऊंगा मैं, अपने दुश्मनों का सर झुका दूंगा, उनका सर काट दूंगा मैं, उनके से ऊंचा पहाड़ चढ़ जाऊंगा, जो चाहेगी दे दूंगा मैं।
अमल, यदि नहीं कर सकता तो उसके पैरों की रक्षा नहीं कर सकता मैं, ऐसा राजा हूँ मैं। मन की पीड़ा को स्वर मिली क्या है? तू रो लो चंद्र जी, भर के रो लो। मुझे क्या था कि आज तू राजा भी तो एक भाई की बातें महसूस कर रहे। रो लो चंद्र। अच्छा, वो नहीं हो रहा है नंदिनी, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। चंद्र, चंद्र देखो मेरी ओर। चंद्र, चंद्र तुम आज जो महसूस कर रहे हो वो एक सामान्य भाई की भावनाओं को महसूस कर रहे हो तुम। रो लो चंद्र, जी भर के रो लो, क्योंकि आंसुओं के द्वारा हम हमारे मन के विकार को निकाल सकते हैं। आंसुओं के द्वारा अपने मन की पीड़ा, अपने दुखों को निकाल दो चंद्र। तुम मेरे समक्ष रो सकते हो चंद्र, अन्यथा क्रोध तुम्हें जला देगा। चंद्र रो लो, रो लो चंद्र। मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहता हूँ नंदिनी, मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। नहीं, तुम मेरी बहन के पास दिशा से तुम्हारी आवश्यकता है। ये कदाचित इस दुनिया की सबसे अच्छी वस्तु है चंद्र, क्योंकि आज मुझे पता चला कि तुम्हारे पास भी हृदय है। आश्चर्य की बात है कि जो चंद्र आज तक रोया नहीं, आज उसे रोना भी आ गया। इतनी पीड़ा का आभास मुझे आज तक नहीं हुआ। ये मुझे हो क्या रहा है? क्या इसका अर्थ यह है कि मेरे पास भी हृदय है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।